ओम शांति। सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर सचिन भाई जी क्लासेस को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट सचिन भाई जी क्लासेस सबसे पहले देखने के लिए। ओम शांति। पश्चिम जगत में एक बहुत बड़े लेखक कवि हुए थे, डॉक्टर रसेल कॉनवेल। हमने बचपन में उनकी एक किताब पढ़ी थी, द एकर्स ऑफ डायमंड्स। इस लेखक ने इस किताब में कहानी सुनाई है, जो कहानी उस लेखक ने अपने जीवन काल में 6000 से भी ज्यादा बार विश्व भर में अनेकानेक जो लेक्चर्स दिए उसमें सुनाई, एक ही कहानी। वो कहानी बहुत ही रोचक है। वो कहानी सत्य घटना पर आधारित है। कहानी में दिखाया है अफ्रीका महाद्वीप में एक गरीब किसान है। उस किसान के पास बहुत बड़ी जमीन है जहां पर वो खेती करता है, और कहीं से उसने सुना है कि अफ्रीका में कहीं और एक भूमि है जिस भूमि के नीचे हीरे हैं, और वो दूसरा व्यक्ति या वो सारे दूसरे व्यक्ति जिन्होंने उसे ये बात सुनाई उन पर वो पूर्ण विश्वास करता है कि हाँ, ऐसी कोई जमीन है इस अफ्रीका महाद्वीप मर जहां पर बहुत सारे हीरे छिपे हुए हैं। तो यह किसान अपनी उस भूमि को बेचता है और निकल पड़ता है उस भूमि की तलाश में जिस भूमि के नीचे हीरो की खान है। संपूर्ण अफ्रीका के महाद्वीप पर वो घूमता है, जगह जगह जाता है, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ता, परंतु वो हीरे उसे नहीं मिलते। उदास होता है, दुखी होता है, हिम्मत नहीं हारता, हीरे ढूंढते रहता है, परंतु जीवन पर्यंत ढूंढता ही रहता है और हाथ में कुछ भी नहीं आता। एक दिन इतना उदास हो जाता है और उसी उदासी में वो किसान आत्महत्या कर लेता है। वो भूमि उसने जिस व्यक्ति को बेची थी, कोई दूसरा किसान, वो किसान एक दिन दूसरा जिसको उसने भूमि बेची थी वो एक दिन खेत में बैठा रहता है, और खेत में ही एक छोटी सी नदी बहती है, और पाता है उस नदी में कुछ तो चमक रहा है। उसे आश्चर्य होता है वो देख कर कि ये क्या चमक रहा है। वो उसे उठाता है, एक चमकीला पत्थर। सप्तरंग जिससे निकल रहे हैं, उसे वो पत्थर बहुत प्रिय लगता है और वो सोचता है कि किसी काम आएगा, तो उसकी जो घड़ी होती है उसमें वो लगा देता है। कई हफ्ते गुजर जाते हैं और इस किसान के घर उसका एक दूसरा मित्र आता है, और जब वो पत्थर देखता है तो वो मित्र कहता है कि ये क्या है। तो वो किसान कहता है कि ये पत्थर मुझे मेरे खेत में मिला। तो व्यक्ति कहता है, क्या तुम जानते हो ये कौन सा पत्थर है? और उसे कहता है,
इस संसार का ये बहुमूल्य हीरा है। कहां मिला तुम्हें ये पत्थर, उस स्थान पर मुझे ले चलो। और वो किसान अपने उस मित्र को उस स्थान पर ले चलता है और पाते हैं कि उस नदी में हीरे ही हीरे हैं, यहां तक कि उसका जो खेत है वो पूरा ही हीरो के ऊपर है। ये वही खेत है, कौन सा, जो पहले किसान ने बेच दिया था और निकल पड़ा था एक यात्रा में, उन्हीं हीरो की खोज में, किम्बरली डायमंड माइंस ऑफ अफ्रीका। किम्बरली डायमंड माइंस ऑफ अफ्रीका के नाम से वो प्रख्यात हुआ। और लेखक डॉक्टर रसेल कॉनवेल अपनी किताब एकर्स ऑफ डायमंड में इसका उन्होंने वर्णन किया और जगह जगह पर लेक्चर्स दिए, प्रवचन किए और कहा कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो कहां है, वो बाहर नहीं, जिसकी तलाश मनुष्य को है वो उसी के अंतस में छिपा हुआ है। अमृत का वह कुंड, हीरो की वह खान, शांति का वह सरोवर बाहर नहीं अंदर है। तो अभी हम उसी अमृत सरोवर का अनुभव करेंगे और वो सरोवर हमारे ही अंदर है। उपनिषद का ऋषि चट्टान पर खड़े रहकर पुकारता है, शुण्वन्ति विश्वे, हे विश्व की आत्माओं सुनो, अमृतस्य पुत्राः, तुम कौन हो, अमृतस्य पुत्राः, ओ हरकन ई ऑल, हियर ई ऑल, ई आर चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टैलिटी, तुम कौन हो, अमृतस्य पुत्राः। अमृत का वह कुंड यहां है, तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे और उसी शांति का जो अक्षय स्रोत है उस पर एकाग्र करेंगे। लाल लाइट करेंगे, भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित करेंगे, शरीर की संपूर्ण हलचल, मैं हूं, भ्रुकुटी के मध्य प्रकाश का वह पुंज, मैं हूं, ज्योति का वह कण, चमकता हुआ सितारा, आंखों से देखने वाला, कानों से सुनने वाला, मुख से बोलने वाला,
ज्योति का वह कण, मैं हूं। संपूर्ण शांत, शांति मेरा स्वभाव है। शांति मेरा स्वधर्म है। मुझ आत्मा से शांति की अनंत धाराएं निकल, संपूर्ण देह में व्याप्त हो रही है। अंग अंग शीतल हो रहा है। मुझ आत्मा से शांति की धाराएं निकल, जो और फैल रही है। शांति की यह प्रकंपन मुझ आत्मा से निकल, वायुमंडल में छा रहे। शांत स्वरूप आत्मा हूं। संपूर्ण मौन हूं, संपूर्ण एकाग्र हूं। शांति का यह जगत अनुभव कर रही हूं। ओम शांति। आत्मा का स्वधर्म शांति है। मनुष्य शांति की खोज बाहर कर रहा है। जहां वो नहीं है, परंतु उसका भ्रम है, वो ढूंढ रहा है, वो भाग रहा है, वो भटक रहा है, और उसकी यह खोज उसे दौड़ा रही है। छोटे बच्चों की किताब लिखी हुई है, एलिस इन वंडरलैंड। छोटी सी बच्ची है एक एलिस नाम की, वो भागती है भागती है, और एक खरगोश की मांद के अंदर चली जाती है और एक स्वप्न लोक में पहुंच जाती है। बच्चों की किताब है, परंतु जो बातें किसी धर्म शास्त्र में नहीं होगी, शायद उस किताब में लिखती है लेखक ने, लेविस कैरोल की लिखी वह किताब। वो एलिस भाग रही है, भूख लगी है उसे, प्यास लगी है उसे, और दूर दिखाई देती है उसे एक रानी अपने हाथ में मिठाइयों के थाल लिए हुए है। एलिस भाग रही है, भाग रही है, क्योंकि उसे भूख लगी है, क्योंकि उसे प्यास लगी है। रानी उसको कह रही है कि आजा आ जाओ। एलिस तेजी से भाग रही है, सुबह से भागना चालू करती है, दोपहर ही हो जाती है, परंतु अंतर उतना के उतना ही।
एलिस और जोर से भागती है, कहती है रानी से, क्या है ये, मैं सुबह से भाग रही हूं, क्यों मैं नहीं पहुंच पा रही। रानी उसको कहती है कि तुम्हारी जो गति है वो बढ़ाओ, स्पीड को बढ़ाओ, शायद तुम उतनी तेजी से नहीं भाग रही हो जितनी तेजी से तुम्हें भागना चाहिए। एलिस और तेज से भागती है, भागती है, भागती है, भागती है, भागती है, शाम हो जाती है, अंतर उतना का उतना ही। एलिस को गुस्सा आता है, कहती है कि हे रानी कैसी दुनिया है तेरी, ओ क्वीन व्हाट वर्ल्ड इज योर्स। रानी कहती है ये दुनिया तुम्हारी ही दुनिया जैसी है, यहां पर कोई भी कहीं पर भी कभी भी नहीं पहुंचा, यहां पर कोई भी कभी भी नहीं पहुंचा। जन्म से यात्रा चालू करता है भागने की, मृत्यु तक भागते ही रहता है, और मृत्यु आने के बाद जब समीप आती है, मृत्यु पाता है, हाथ में कुछ भी नहीं। एक साइंटिस्ट ने लिखा है, आई हैव स्पेंट माई लाइफ इन रिसर्चिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, बट टूवर्ड्स द एंड ऑफ माई लाइफ आई फील लाइफ हैज स्लिप थ्रू माई फिंगर्स। सारा जीवन एटम्स और मॉलिक्यूल्स की खोज में लगाया, और जीवन के इस शाम में अब ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे जीवन में कुछ पाया ही नहीं, जैसे कि एक वैक्यूम, अ स्पिरिचुअल वैक्यूम। जो पाना था, जो करना था, वो पाया ही नहीं। और क्या पाया, धन संपत्ति नाम संपदा सब है, परंतु वो नहीं है जो चाहिए था। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है शक्तिशाली भोजन, ऊर्जा वर्धक भोजन, एनर्जेटिक फूड फॉर ब्लैक मूड। पहले तो यह शब्द समझने की आवश्यकता है, ब्लैक मूड किसे कहा जाता है। ब्लैक मूड अर्थात एंगर, ब्लैक मूड अर्थात इरिटेशन, ब्लैक मूड का एक अर्थ होता है थोड़ी सी उदासी, थोड़ी सी उदासी। परंतु जिस विषय पर हम ज्यादा आज चर्चा करने वाले हैं वो है गुस्सा, वो है क्रोध, वो है एंगर, टू बी ऑफ द हैंडल। इस विषय को, जिसको हम कह सकते हैं एंगर मैनेजमेंट, परंतु उसके साथ साथ हम और भी कुछ दूसरी बातें भी देखेंगे। पहला तो क्रोध क्या है, कहां से जन्म लेता है, कौन सी गंगोत्री से वो उगम होता है, व्हाट इज द फाउंटेन हेड ऑफ एंगर, फ्रॉम वेयर इट अराइजेस, हाउ इट अराइजेस, What is the nature of anger? What are the causes of anger? क्या कारण है क्रोध के, कहां से जन्म लेता है, क्यों जन्म लेता है, क्या यह संभव है कि मनुष्य इस क्रोध से, इस आवेश से, इस एक्साइटमेंट से सदा के लिए मुक्त हो जाए। टॉपिक बहुत बड़ा है, कईयों ने इसके विषय में बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ सुना होगा, परंतु बहुत सुना, बहुत पढ़ा, बहुत जाना, बहुत वर्कशॉप, बहुत सारे सेमिनार्स, बहुत सारी क्लासेस अटेंड की, टेक्निक्स भी जानी, परंतु क्यों, क्यों ऐसा होता है कि यह क्रोध फिर भी जन्म लेता है। क्या ऐसा होना संभव है, क्या ऐसी भी कोई अवस्था हो सकती है कि जहां पर क्रोध आना ही असंभव हो जाए, क्या ऐसी भी कोई चेतना की स्थिति है। उसकी हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत वर्षों पहले भारत में
एक आक्रांता आया था, बहुतों को उसने मारा था, चंगेज खान जिसका नाम था। उसके जीवन में एक उल्लेख है, जब चंगेज खान भारत में था वो शिकार खेलने जाया करता था और उसके पास उसका एक पक्षी था, बांज पक्षी। वो जो पक्षी था वो उसकी मदद करता था शिकार खेलने में। चंगेज खान एक दिन शिकार खेलने जाता है, उसके साथ उसके मित्र भी होते हैं, मित्र कहीं छूट जाते हैं, वो अकेला भटक जाता है और कहीं और पहुंचता है अपने उस पक्षी के साथ, हॉक। बहुत प्यासा, पानी की तलाश करता है, पानी मिलता नहीं है, बहुत ढूंढता है और अचानक एक जगह उसे एक झरना दिखाई देता है, परंतु उस झरने में पानी की केवल बूंद बूंद गिर रही है। अपनी बैग से वो अपना पात्र निकालता है, कंटेनर, और इतना प्यासा होता है फिर भी, क्योंकि एक एक बूंद ही गिर रही है, अपना वो पात्र उस पत्थर से लगाता है जहां से जल की धाराएं बह रही है, और बहुत मुश्किल से वो पात्र भरता है। और इतना प्यासा होता है कि बस पीने ही वाला है तो वो पक्षी आता है और वो पानी का पात्र गिरा देता है। वो देखता है किसकी इतनी जरूरत जो मेरे इस पात्र को गिराया, तो पाता है ये तो मेरा ही पेट एनिमल, मेरा ही वह पक्षी है। पात्र फिर से उठाता है क्योंकि प्यास बहुत तीव्र है, फिर से लगाता है, फिर से जल की धाराएं बूंद बूंद गिरती है। इस बार केवल आधा ही भरता है क्योंकि प्यास बहुत ज्यादा है, रुकने का समय नहीं है। आधा ही भरता है और पीने जाता है, फिर से वह पक्षी आता है और उसको गिराता है। क्रोध आना चालू हो जाता है, परंतु क्योंकि उसका फेवरेट है, बहुत प्रिय है, इस बार भी माफ करता है, फिर से पात्र भरता है। आधा से भी कम भरता है क्योंकि प्यास बहुत ज्यादा है, और पीने ही जाता है, फिर से वो पक्षी आता है और उस पात्र को गिराता है, परंतु इस बार नहीं, अपनी तलवार निकालता है। मृत पक्षी उसके चरणों में रक्त की धाराएं बह रही है, परंतु इस उधेड़बुन में पात्र नीचे गिर जाता है पत्थरों के बीच। बड़ी मुश्किल से उतरता है उस पात्र को लेने के लिए, और जहां नीचे उतरता है वहां से देखता है जहां से वो सरोवर आ रहा था, जहां से वो झरना बह रहा था, उसका जो स्थान था, जो जल था, वहां पर एक हाईली पॉइजनस डेड स्नेक, एक बहुत ही जहरीला सांप मरा पड़ा है। वो जल विषाक्त हो चुका था और उसका वो पक्षी उसे बचाने का प्रयत्न कर रहा था, परंतु उसने अपनी तलवार निकाली और उस पक्षी को मार दिया, और अब गहन पश्चाताप। ऐसा क्यों हुआ, क्या कहेंगे? क्रोध, और वो समझ नहीं पाया कि कोई उसे, वो उसे बचाने का प्रयत्न कर रहा है, और कम्युनिकेशन पक्षी और मनुष्य के बीच
वो सही चीज का उसको ज्ञान नहीं था। और हम ये पूछ रहे, प्रश्न हमारा ये है, उसने उस पक्षी को क्यों मारा? संसार में मनस्विद साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, क्रोध जो है एक क्षणिक पागलपन है। एंगर इज अ स्टेट ऑफ ट्रांसिएंट मैडनेस। देर आर टू टाइप्स ऑफ मैड, एक तो वो जो स्थायी है, एक तो दूसरा जो अस्थायी है। एक ऐसी आवेश की स्थिति जहां पर विवेक नष्ट हो जाता है, अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट वेयर इन विजडम इज टोटली डिस्ट्रॉयड। ऐसी आवेश की स्थिति क्रोध की स्थिति है। इस आवेश की स्थिति में जो निर्णय लिए जाते हैं वो गलत होते हैं। फिर से सभी अलर्ट होके बैठेंगे और एक या दो मिनट अपने जीवन को देखेंगे कि मेरे जीवन में ऐसे वो कौन से प्रसंग थे जिसमें मैं इतना आवेश में आ गया। यदि आवेश में ना आता शायद वो संबंध ना बिगड़ता। इतना आवेश में आ गए और उस क्रोध में, उस आवेश में, उस उद्विग्नता की अवस्था में ऐसी कोई भूल हो गई क्या? यदि मैं उस स्थिति में शांत रहता तो ये गलती होती? तो सभी फिर से चलते हैं योग के इस अभ्यास की ओर। रेड लाइट करेंगे, जीवन की इस अनंत यात्रा में मैं आज स्वयं को देखता हूं। स्वयं के बचपन को, स्वयं की उस युवावस्था को, स्वयं की वर्तमान की अवस्था को, कौन से वो पल थे कौन से वो जीवन के क्षण थे कैसा ये पागलपन था जीवन में? देख रहा हूं स्वयं को साक्षी होकर। कितना ना अच्छा होता
आत्मा के स्वरूप का ज्ञान यदि तब मिल गया होता, कितना ना अच्छा होता यदि जीवन को एक योगी जीवन बना लिया होता। संसार की यह यात्रा कितनी सुगम हो गई होती। क्या इन परिस्थितियों में मैं शांत रह सकता था? और यदि हाँ रहता तो कितना अच्छा होता। किस भ्रम में जी रहा था, किसने काम बनाया? शांति का कोई विकल्प नहीं। अपने संपूर्ण जीवन की ओर एक दृष्टिपात। घर, ऑफिस, मित्र, संबंधी, पति, पत्नी, बच्चे, सब दिखाई दे रहे। कैसी ये कड़वाहट, कहां खो गया था प्रेम? कहां गई थी संबंधों की वह मिठास? कितना ना अच्छा होता यदि यह क्रोध ना आया होता। कितना ना अच्छा होता यह निर्णय क्रोध के वश न लिया होता। एक विहंगम दृष्टि, वन बर्ड आई व्यू, आई लुक बैक, द एंटायर पैनोरमा ऑफ लाइफ। What joy I missed, what ecstasy I could have been, who created this hell? I could have created heaven. I am a peaceful soul. Point of light, radiating peace. Can I now become peaceful? Can I become a cloud of peace and rain peace over my entire life? स्वयं के जीवन को देखना है। लुक विद इन, लुक बैक, इंट्रोस्पेक्ट, रेट्रोस्पेक्ट। स्वयं के जीवन का सिंहावलोकन। ओम शांति। एक छोटा सा बच्चा था जो इतना क्रोध करता था। उसके पिता ने एक दिन उससे कहा, क्रोध तुम करो, परंतु जब जब तुम्हें गुस्सा आए ये खील लो और ये हथौड़ा, जब जब गुस्सा आएगा
ये जो नील है कील, इसको जो फेंस है हमारे घर में, जो दीवार है बाहर, उसमें ठोकते जाना। पहले दिन उस बच्चे ने 37 नेल्स दीवार पर ठोके, इतना उसका गुस्सा था। धीरे धीरे उसको पता चला ये दीवार पर कील ठोकना बड़ा मुश्किल काम है। उसका गुस्सा कम कम हुआ और एक समय ऐसे आया कि उसने कील ठोका ही नहीं पूरा दिन भर। तो पिता ने कहा कि अभी और एक दूसरा अभ्यास करो, जिस दिन सारे दिन भर एक बार भी गुस्सा ना आए, वो जो नेल है उसको वहां से निकालो। वो भी उसने किया और धीरे धीरे वो जितने नेल्स थे वो उसने सारे निकाल दिए और उसने अपने पिता से कहा कि पापा, अब मुझे कोई भी क्रोध नहीं है, सभी क्रोध से मैं मुक्त हो गया हूं। तो पिताजी उसका हाथ पकड़कर वहीं ले गए, उसी दीवार के पास जहां उसने वो कील ठोके थे, और कहा कि देखो, कील तो तुमने निकाल दिए परंतु बचा क्या है, गड्ढा छेद है, उसका क्या करोगे। शब्द तो बोल दिए, क्रोध तो कर दिया, परंतु उसके दूरगामी परिणाम, जिस हृदय के ऊपर वह क्रोध के शब्द अंकित हो गए थे, वो अब भी अंकित है। कटु शब्द जो निकले थे तीर की तरह, व्यंग बाण जो हमने छोड़े थे, द कॉमेंट्स, द टॉन्ट्स, वो आत्मा पकड़े हुए है, वो व्यक्ति के हृदय में चुभे है, वो उसका क्या। और जीवन के इस अध्यात्म की यात्रा में असंख्य आत्माओं की दुआओं की आवश्यकता है। यदि कोई एक आत्मा भी हमारे प्रति निगेटिव भाव लिए हुए है, बद्दुआएं हमें दे रही है, तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। देर आर 21 टाइप्स ऑफ एंगर्स, क्रोध के 21 प्रकार गिनाते हैं। तो हम थोड़ी उस 21 प्रकार के जो क्रोध है उसकी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ उनसे कैसे मुक्त हुआ जाए। यदि उसे शत्रु समझ लिया जाए तो ये लड़ाई जारी रहती है। शायद साइकोलॉजिस्ट कहते हैं तीन स्टेजेस है। पहली है सप्रेशन, क्रोध आ रहा है, हमें सिखाया जाता है नहीं करो, दबा दो, हम दबा देते हैं, परंतु क्या दबाना मुक्ति है? और जो दबा हुआ है वो क्या होगा, एक दिन सुनामी की तरह आएगा और फिर लगेगा 10 साल तक कोई क्रोध नहीं किया, 10 साल तक कोई गुस्सा नहीं था, अचानक ये कहां से आ गया। जैसे ही वो व्यक्ति सामने आया, 10 साल तक उससे कोई मुलाकात नहीं थी, 10 साल के पहले झगड़ा हुआ था, अब तो भूल भी गए थे, परंतु जैसे ही सामने आया वही आवेग, वही उद्वेग, सेम एक्साइटमेंट, कहां से आ गई, लाइक अ घोस्ट फ्रॉम द टूम, लाइक अ चाइल्ड फ्रॉम द वोम्ब, कहां से आ गया। खाली दबाया था, सप्रेस किया था, दमन किया था, और जिस चीज का दमन किया जाए, चाहे वो काम विकार हो, चाहे वो लस्ट हो, एंगर हो, ग्रीड हो, ईगो हो, अटैचमेंट हो, कोई भी हो, निकल कर बाहर आएगा। जलसी हो, एनवी हो, जो चीज से हम मुक्त होना चाहते हैं, यदि उसे दबाया जाए तो और शक्तिशाली बनकर बाहर आती है। विदेश में, अमेरिका में फ्लैगिस्ट नाम के सन्यासी थे, उनके मन में काम विकार की तरंग उठती थी, एक चाबुक रखते थे और स्वयं को मारते थे, तब तक जब तक खून ना निकल जाए। परंतु परिणाम कुछ और ही हुए बाद में, विकार की भावना
उत्पन्न हुई। जैसे ही लस्ट ने प्रवेश किया, अपने आप को मारना चालू किया और धीरे धीरे करते करते एक समय आया कि वो जितना मारते थे फिर धीरे धीरे और ही काम वासना तीव्र होती चली गई। किया था किस लिए, परंतु कुछ उल्टा ही होने लगा। जहां पर दमन किया जाए, जबरदस्ती किसी को बोलो उपवास करो तो रात में भोजन ही भोजन दिखेगा खाली, क्योंकि सप्रेशन किया है। तो क्या करें, सेकंड स्टेज एक्सप्रेशन। क्रोध आया, दबाव नहीं, सप्रेस नहीं करके रखो, उसको एक्सप्रेस कर दो, वेंट आउट कर दो ताकि हल्का लगे। परंतु इसमें तो ज्यादा गड़बड़ है, ऊपर से तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्रोध आया है, किसी ने बहुत बड़ी गलती की है, हमारे मन के विरुद्ध में किया है, हमारे खिलाफ झूठा आरोप लगाया है, फॉल्स एक्यूजेशन, और हमने उसे एक्सप्रेस किया। एक्सप्रेस करके ही वसाय ऑफ रिलीफ, बहुत आराम लगा। परंतु नेक्स्ट टाइम फिर से होगा, फिर से क्रोध आएगा और मुक्ति का मार्ग एक्सप्रेशन। तो करते 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 हैबिट, आदत। हमने तो एक्सप्रेस किया था मुक्त होने के लिए, परंतु यहां तो हैबिट और गहरी होती गई, काम तो पूरा हुआ ही नहीं। देयर इज अ थर्ड वे। वो कौन सा मार्ग है? एक तीसरा मार्ग भी है, चाहे वो काम हो, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो लोभ हो, चाहे अहंकार। एक दमादा, विश्व भर के लोगों ने सबसे बड़ा पहले यही मार्ग अपनाया है, दबाने का। जितना उसको दबाया और शक्तिशाली बनकर वो निकला। दूसरा मार्ग एक्सप्रेस किया, संसार हिंसक बन गया है। तीसरा एक मार्ग है सब्लिमेशन, तीसरा एक मार्ग है रूपांतरण, तीसरा एक मार्ग है उदात्तीकरण, तीसरा एक मार्ग है स्पिरिचुअलाइजेशन, तीसरा एक मार्ग है डिवाइनाइजेशन, तीसरा एक मार्ग है प्यूरिफिकेशन, तीसरा एक मार्ग है डिटैच्ड ऑब्जर्वरशिप। तरंगे उठी आई और चली गई, हमने कुछ नहीं किया, डिटैच्ड ऑब्जर्वर। तीन प्रकार के लोग इस संसार में हैं, एक दृश्य जो दिखावा करते हैं उन्हें कहा जाता है दृश्य। हर चीज में दिखावा है, धन का, संपत्ति का, अध्यात्म का भी, धर्म का। वो कैटेगरी के लोग जो एग्जीबिशन करते हैं उन्हें दृश्य कहा जाता है। दूसरी कैटेगरी के लोग हैं दर्शक, ऑडियंस, देखने वाले, ऑब्जर्वर, जो देख रहे हैं परंतु प्रभावित होते। पर्दे पर यदि दुख है तो जीवन में दुख, जैसा सीन वहां पर आ रहा है वहां पर क्रोध तो यहां क्रोध, वहां पर काम तो यहां काम, वहां पर आंसू तो यहां आंसू, वहां दुख तो यहां दुख, वहां आवेग तो यहां आवेग, प्रभावित हो रहे दर्शक। एक चेतना का तीसरा आयाम भी है, एक तीसरे प्रकार के भी लोग हैं, उन्हें कहा जाता है दृष्टा, डिटैच्ड ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व्ड ऑब्जर्वर, डिटैच्ड ऑब्जर्वर। एक है दृश्य, एक है दर्शक और तीसरे है दृष्टा। जगत खेल है, डू नॉट ट्राई टू जज इट। जीसस क्राइस्ट कहता है जज नॉट एंड ही शैल नॉट बी जज्ड। हर चीज में जजिंग करना खेल है, लीला है। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, बच्चे ने ऐसा ही करना चाहिए जैसे हम चाहते हैं, वो नहीं चाहता परंतु हम चाहते वो वैसा ही करे, इसने ऐसा ही करना चाहिए। कोई व्यक्ति हमारी संपत्ति नहीं है, पहला क्रोध। 21 प्रकार गिनाएंगे क्रोध के, बिहेवियरल एंगर,
व्यवहार में आने वाला क्रोध, वह क्रोध जो कि व्यवहार तक आ गया है, व्यवहार से दिखाई दे रहा है, इसका मतलब पहले संकल्प में आया होगा, इसका मतलब विचारों में आया होगा, इसका मतलब हमने योजनाएं बनाई होगी, वो पहला क्रोध। दूसरा पैसिव एंगर, फर्स्ट इज बिहेवियरल एंगर, सेकंड इज पैसिव एंगर। पैसिव एंगर वो एंगर है जहां पर हम क्रोधित तो है परंतु उस व्यक्ति से भय भी है, इसके लिए उसके एब्सेंस में टॉन्ट्स एंड कमेंट्स, व्यंग्यवान, उपहास। यदि हम किसी का उपहास कर रहे हैं, सृष्टि का एक नियम है, जो तुम दोगे वो आएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यदि हम किसी की निंदा करेंगे एक दिन हमारी भी होगी, कभी ना कभी होगी। जो जो हमने दूसरों के साथ किया है वो सब कुछ हमारे साथ होगा। हमने यदि षड्यंत्र किए हैं हमारे साथ भी होगा। व्हाट अ टैंगल्ड वेब वी वी व्हेन वी फर्स्ट प्रैक्टिस टू डिसीव, कवि लिखता है, कैसा हमने ये जाल बुन दिया है कि जिसमें हम खुद ही फंस गए हैं। दूसरों को फंसाने के लिए बुना था, उसमें हम ही फंस गए हैं। पैसिव, किसी ऑथर ने लिखा है, कितना समय व्यक्ति, दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो कैसी बातें करते हैं, बुराई होगी एक दूसरों की, इसने ये किया, उसने वो किया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, व्हाट इज दैट टू यू, तुम्हें उससे क्या लेना देना, यू माइंड योर ओन बिजनेस। जीसस क्राइस्ट ने अपने शिष्य से कहा था, जॉन से, जॉन उसको पूछता है कि आपका मेरे से कितना प्यार है, जीसस क्राइस्ट कहता है बहुत, जॉन कहता है, सॉरी पीटर, पीटर कहता है ये जॉन से तुम्हारा कितना प्यार है, वो कहता है वो मेरे और उसके बीच है, वो व्हाट इज दैट टू यू, तुम्हें क्या करना है, तुम अपने काम से काम रखो। परंतु यदि हम अपने जीवन को देखें तो सारा ध्यान कहां है, इधर क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, इसके घर में क्या हो रहा है, और फिर अशांत है मन। अध्यात्म की यात्रा जो है वो आंतरिक यात्रा है, बाहर की नहीं। तो ये दूसरे प्रकार का एंगर है। तीसरा है डेलिबरेट एंगर। डेलिबरेट एंगर अर्थात प्लैंड एंगर, जानबूझकर किया हुआ एंगर, पूरी प्लानिंग के साथ गए हैं, उसने हमारे साथ ऐसा किया, हम उसके साथ इस ओकेजन में, इस अवसर पर, इस समय ऐसा ऐसा करेंगे। डेलिबरेट एंगर। अगला है मॉरल एंगर, फोर्थ। मॉरल एंगर अर्थात कोई हमारे सामने झूठ यदि बोलता है, हम सहन नहीं कर सकते, हम भी क्रोधित होते, उसने झूठ बोला, हमने क्रोध किया, ज्यादा अंतर नहीं है। क्रोध के दुष्परिणाम क्या है वो भी समझ लेना जरूरी है। सभी तलों पर, मन के तल पर मनोदशा कैसी होती है, सुबह अगर किसी से झगड़ा हो जाए सारा दिन कैसा गुजरता है, शांति में बैठ पाते हैं, बोल कैसे निकलते हैं क्रोध में, क्रोध के समय बोले हुए शब्द कैसे होते हैं, हार्श, संबंधों को काटने वाले। क्रोध किसी संबंध को नहीं जानता, न मां, न बहन, न बेटी, न बाप, किसी संबंध को नहीं जानता, सब कुछ काट देता है। पश्चाताप, बाद में क्या होता है, पश्चाताप, लॉन्ग रिपेंटेंस। युधिष्ठिर कहता है द्रौपदी से महाभारत के एक दृश्य में कि तुमने दुर्योधन को ये जो कहा, अंधे का बेटा अंधा, दुर्योधन उनमें से नहीं है जो इन ऐसे शब्दों को भूल जाए, कोई दूसरा होता तो शायद भूलता था, इसके परिणाम बहुत खतरनाक होंगे, इसके लिए द्रौपदी अभी भी जाके माफी मांग लो। इमीडिएटली उस सीन के बाद का यह सीन है। कर्म, क्या कर्म में कुशलता आ सकती है, जहां पर क्रोध भरा है,
गलतियां होगी, रिश्ते रिश्ते खत्म। कितना टाइम लगता है एक रिश्ते को खत्म होने में? 10 साल की, 20 साल की दोस्ती है, ऐसे खत्म हो जाते हैं। और हम सोचते हमारे एंगर का कारण दूसरा है। क्या वास्तव में दूसरा है या यहीं से निकल रहा है? एक साधु था जो कि गांव में रहता था और गांव के लोग उसे बहुत परेशान करते थे, रोज अपनी समस्याएं लेकर आते थे, तो कुछ करते तो कुछ करते। सोचता है इनकी वजह से मेरी साधना भंग हो रही है, रोज मैं क्रोधित होता हूं और क्रोध तो योगी का बहुत बड़ा शत्रु है। इनको छोड़कर मैं जाऊंगा, इनके बीच में ये कारण है मेरे क्रोध के। उनको छोड़कर दूर वन में चला जाता है, किसी पहाड़ी की चोटी पर वहां बैठकर अपनी साधना करता है। परंतु पानी भरने रोज नीचे आना पड़ता है एक सरोवर के पास अपना कमंडलू लेकर। एक बार पानी भरता है और ऊपर पहाड़ पर जब चढ़ते रहता है, कमंडलू नीचे गिरता है, फिर से उठाता है, फिर से पानी भरता है, फिर से चोट लगती है, फिर से गिरता है, फिर से कमंडलू ऊपर उठाता है, फिर से नीचे जाता है, फिर से उठता है और फिर से वो नीचे गिरता है। अब इतना क्रोध उसको आ जाता है और अचानक उसकी बुद्धि में प्रकाश आता है, यहां तो कोई भी नहीं है। इसका मतलब वो जो गांव वाले थे वो मेरे क्रोध का कारण नहीं है, ये तो कहीं और से ही आ रहा है। मॉरल एंगर। उसके बाद है क्रॉनिक एंगर। क्रॉनिक एंगर अर्थात निरंतर ही क्रोध की अवस्था है। यह साइकोलॉजिकल कंडीशन है, क्रॉनिक, कोई कारण नहीं है पर व्यक्ति क्रोध में ही रहता है। कभी कभी एक झलक उसे मिलती है तब थोड़ा शांत होता है, परंतु अधिकतर समय क्रोध में रहता है। उसके बाद है वोलेटाइल एंगर। वोलेटाइल अर्थात अभी अभी सब कुछ ठीक था, अचानक क्रोध आया और अचानक शांत भी हो गया, इसे कहा जाता है वोलेटाइल एंगर। पर इसका भी बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि उस क्षण में कुछ भी हो सकता है। उस क्षण में बुद्धि कुछ भी निर्णय दे सकती है और फिर उसका पश्चाताप जीवन भर। जितने संसार में जेल है उनको जाकर पूछो क्यों किया, चाहे काम से ग्रसित थे या क्रोध से, केवल क्षणिक आवेग था। उसका भी एक प्रकार है एंगर का, उसमें भी हम आएंगे। कुछ भी हो सकता है, ये एक क्षण वोलेटाइल एंगर, अभी अभी आया और चला गया। मुक्ति का मार्ग, फिर से हम कह रहे हैं, अपने आप को देखना साक्षी भाव से, आया और गया, क्यों आया, कहां से आया। अगर आ रहा है जरूर कुछ तो कारण होगा। वी, अगला है ए। ए से एडिक्टिव एंगर। इतनी बार क्रोध किया है कि जैसे क्या हो गई उसकी लत, आदत से भी बड़ा शब्द है, एडिक्शन, व्यसन हो गया है जैसे। फिर कारण नहीं ढूंढता है व्यक्ति, जैसे एक बूढ़ी औरत है, उस वो गांव में हर दिन सबसे झगड़ती है। एक दिन गांव वाले ने सोचा इससे बात ही नहीं करेंगे, देखते हैं क्या करती है, क्योंकि बिना कारण के हर एक से झगड़ती है तो सामने वाले को तो कुछ बोलना पड़ता ही है। गांव वाले सोचते इससे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, तो सारा दिन भर इतनी परेशान हो जाती है। शाम को कुएं के पास जाती है, अपनी प्रतिबिंब देखती है, परछाई, और उससे झगड़ा चालू करती है। एडिक्शन, एडिक्टिव एंगर। उसके बाद है जजमेंटल एंगर। हम जज करते हैं कि यह गलत है और उस पर गुस्सा करते हैं,
हमें कोई अधिकार नहीं है जज करने का, परंतु हम जज करते हैं। छोटे बच्चों को भी हम जज करते हैं, हर चीज को जज करते हैं। एक मां घर आती है और कहती है अपने दो छोटे बच्चों को कि तुम दोनों फिर से लड़ना झगड़ना चालू कर दिया, फिर से ऐसी कहती है। वो कहता है कि नहीं मां, ये वही पहली वाली लड़ाई है, वही पहली वाली लड़ाई, जीवन की पहली लड़ाई अब भी जारी है। निरंतर युद्ध। मराठी का एक संत कहते हैं, दिवस रात्र अम्हा युद्धाचा प्रसंग, अंतर बाह्य जग आणि मन। निरंतर युद्ध ही युद्ध है। समझ नहीं आता है क्या करा। शेक्सपियर का हैमलेट जैसे चिल्लाता रहता है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। टू बी और नॉट टू बी, समझ में ही नहीं आता है उसे क्या करूं और क्या नहीं। ऐसी स्टेट ऑफ इनडिसिसिवनेस। जजमेंटल एंगर, उसके बाद है ओवरवेलमिंग एंगर। इतनी भावनाएं बढ़ जाती है, इतनी भावुक हो जाता है व्यक्ति किसी के प्रति, ओवरवेलम्ड, अभिभावित और क्रोध करता है। उसके बाद है सेल्फ इन्फ्लिक्टेड एंगर। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड एंगर अर्थात खुद पर, उसको इंग्लिश में एक शब्द है सेल्फ विक्टिमाइजेशन। जो भी हो रहा है खुद को दोषी ठहराना, मेरी गलती है, मेरे वजह से हुआ, मैं ही नहीं होता तो यह शायद तुम्हारा काम हो जाता था। यह भी एक स्वभाव है, हर चीज में स्वयं को दोषी ठहराना। और कहीं ना कहीं हर मनुष्य इससे ग्रसित है थोड़ा न थोड़ा, और उसी से गिल्ट फीलिंग है, उसी से अपराध भाव है, उसी से गिल्ट कॉन्शियसनेस है कि यह मेरी वजह से हुआ, जबकि उसकी वजह से हुआ ही नहीं होगा। परंतु सेल्फ विक्टिमाइजेशन, तीर ऐसा चलता है वो उल्टा तीर, खुद ही को चला रहा है और खुद ही दुखी है। अंग्रेजी में कहते हैं HSP, हाईली सेंसिटिव पर्संस। बात बात पे छुई मुई, टच मी नॉट। किसी ने कुछ कह दिया उदास, किसी ने कुछ बोल दिया रूठ जाना, बात बात पे रूठना, बात बात में उदास। सेंसिटिव नेचर एक रीति से अच्छा है, सेंसिटिव व्यक्ति दूसरों को अच्छा समझ सकते हैं, दूसरों की भावनाओं को, परंतु खुद के जीवन में जीवन तो फिर दुख ही दुख है, रोना ही रोना। कोई हमको सिखाने के लिए कह रहा है, परंतु हमको लगा कि मुझे कहा। सेल्फ विक्टिमाइजेशन, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड एंगर, खुद के ऊपर एंग्री। फिर वहां पर जैसा बहन जी ने कहा, व्यक्ति खुदकुशी भी कर लेता है। अगला है हैबिचुअल एंगर। एक कहा था एडिक्टिव, एडिक्टिव से थोड़ा सा कम, हैबिट जैसी है। विशिष्ट परिस्थितियों में क्रोध आता, उस परिस्थिति में एंगर उत्पन्न होता है। उसके बाद में है सडन एंगर। एक कहा था वोलेटाइल, वोलेटाइल में आता है और चला जाता है, सडन में सडनली आता है पर रहता है, फिर धीरे धीरे जाएगा पर बहुत स्लोली। उसके बाद है एंगर अवॉइडेंस। मनोस्वित कहते हैं यह भी क्रोध का ही एक प्रकार है, जिसमें व्यक्ति क्रोधित तो होता है पर कोशिश बहुत करता है न होने दे, अवॉइड करने की कोशिश करता है। यह भी कोशिश करता है कि दूसरा क्रोधित ना हो, परंतु सारा केंद्र बिंदु क्रोध है, एंगर, फोकस उसी पर है। फिर है कंस्ट्रक्टिव एंगर। किसी देश में विद्रोह होता है, सारी समाज की व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह होता है, रिवॉल्ट, सारे लोग उसमें जुड़ जाते हैं, जैसे एंटी करप्शन ग्राफ्ट।
करप्शन के खिलाफ इस तरह के जो एंगर है उन्हें कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव एंगर, वो भी एक प्रकार है। उसके बाद है एडिक्टिव हो गया एस, स्नीकी एंगर। स्नीकी अर्थात चुपके से आने वाला, SNEAKY, स्नीकी चुपके से आता है, रहता है, चुपके से चला जाता है। वो फिर धीरे धीरे सप्रेस रहता है और कभी कभी सडनली सडन एंगर में कन्वर्ट होता है, कभी कभी वोलेटाइल एंगर में कन्वर्ट हो जाता है वही, कभी कभी ओवरवेलमिंग एंगर बन जाता है वही। उसके बाद है वायलेंट बिहेवियर। ये वो एंगर है जिसमें तोड़फोड़, जैसे अभी अभी हुआ, भयंकर तोड़फोड़, वैंडलिज्म, आर्सनी, इतना क्रोध, इतना क्रोध, राइट्स, वायलेंट बिहेवियर। अगला है शेम बेस्ड एंगर। शेम बेस्ड एंगर, ये वो एंगर है जिसमें शेम की फीलिंग आती है, शर्म की, अंदर ही अंदर। यदि वो वीडियो लिया जाए जिसमें हमने क्रोध किया था और हमको 24 घंटे के बाद दिखाया जाए, क्या लगता है ये मैं हूं, ये बताया जाए, आप भले छुपाने की कोशिश करो परंतु ऐसी वीडियो लिया जाए कि चेहरा दिख रहा है और आवाज भी तुम्हारी ही है, शेम बेस्ड एंगर। फिर है रिटेलिटेरी एंगर, वेंजेंस जिसमें होता है, रिवेंजफुल एंगर जिसको कहते हैं, बदले की भाव, उसने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया हम भी करेंगे। इसलिए एक अभ्यास, क्योंकि समय हमारे पास कम है, एक अभ्यास हम आप सबको दे रहे हैं जो आपको कल सुबह मेडिटेशन में करना है, अभी समय नहीं है इसलिए नहीं कर रहे। उन सभी व्यक्तियों को, आत्माओं को, पर्संस को अपने सामने इमर्ज करना जिनको हमने अपने जीवन में बहुत सताया, बहुत दुख दिया, अपशब्द बोले, जिनको हमने, जिनके खिलाफ हमने षड्यंत्र किए, गलत व्यवहार किया, झूठे आरोप लगाए, उन सबको इमर्ज करना और क्या करना, उनसे माफी मांगना, क्योंकि उनकी बद्दुआएं हमारे साथ चल रही है। ये एक काम रोज करना है। दूसरा काम, जिन्होंने हमें सताया, जीना मुश्किल कर दिया, अभी भी सता ही रहे, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, टांग खींचते, प्लॉट करते हैं, फ्रेम करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, हम नहीं करते वो करते हैं, उनको क्या करेंगे? अनकंडीशनल पार्डन, क्योंकि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है किसी ना किसी जन्म का हमारा ही अकाउंट है, सूक्ष्म अकाउंट है। लंदन में एक साधु को कोर्ट ने सजा सुनाई 22 साल की, मर्डर केस, चला गया बिना कुछ कहे। 18 साल के बाद जिसने खून किया था वो सामने आया, कहा मैंने किया है खून, इसको छोड़ दो। कोर्ट ने कहा सन्यासी को छोड़ दो, सन्यासी ने कहा मेरी यही अच्छी साधना हो रही है, चलने दो। और रही बात इस आरोप की, तो वो तो मुझे तब भी पता था कि मैंने इस जीवन में व्यक्ति क्या मक्खी भी नहीं मारी है, परंतु फिर भी ये हो रहा है, जरूर जरूर किसी और जन्म का हिसाब होगा। जिस घर में जन्म लिया, जो मां बाप सामने है, हमारे ही तो हिसाब है कहीं ना कहीं,
वेरी सटल अकाउंट्स, ऐसे ही कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे ही कुछ नहीं हो रहा है। हमको लग रहा है ये घर में जो लड़का आया है छोटा सा, इतना दुख क्यों देता है, क्यों परेशान करता है ये छोटा लड़का। जन जन्म के शत्रु आसपास आए हैं, पति बना है, कोई पत्नी बनी है, कोई बॉस, कोई जूनियर, कोई सीनियर, किस लिए आए हैं? तलवार लेकर चुकतुक करने आए हैं, चुकतुक करेंगे। इसलिए नए हिसाब नहीं बनाने हैं, टिट फॉर टैट की फिलॉसफी हमारी नहीं है। डू नॉट क्रिएट फ्रेश बॉन्डेजेस। जो बंधन है संसार के, उसको उतना ही रहने दो दृष्टा, और उसको चुकतु करो बाय रिएक्टिंग। डू नॉट क्रिएट फ्रेश कर्मिक अकाउंट्स। कितने हुए? अगला अगला ऐसे जिसको कहते हैं, एक तो कहा सडन, एक तो कहा था शेम बेस्ड, एक कहा था स्नीकी, एक एंगर है स्लो एंगर। वो इतना स्लो है, इतना स्लो है कि वो आया कब हमें ही पता नहीं। स्लो इन द सेंस ओवर इयर्स, ओवर इयर्स, पर वो जमा हो रहा है। रोज हम देख रहे हैं एक व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है, हम कुछ कह नहीं रहे, 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 परंतु है अवसर की तलाश है, पावर की तलाश है। हम यदि बॉस बन जाए तो दिखा देंगे। अगला एंगर है हेट। व्हाट इज हेट? हेट और एंगर में क्या अंतर है? हेट इज सेटल्ड एंगर, हार्डन्ड एंगर। एंगर जब लंबे समय तक रहता है तो वो घृणा और नफरत में रूपांतरित हो जाता है। अपने आप को चेक करो, ऐसी कौन सा व्यक्ति है जिसके प्रति मैं घृणा से भरा हूं, और घृणा बहुत जबरदस्त निगेटिव एनर्जी है। एंगर इट्सेल्फ इज अ निगेटिव एनर्जी। हमें नहीं पता, परंतु जैसे ही वो व्यक्ति आता है, एकदम हमारे ओपीडी में एक पेशेंट आई थी, वो कहती थी वैसे तो कुछ नहीं होता है, परंतु एक ऐसी आत्मा है, एक व्यक्ति है, जैसे ही सामने आता है यहां धड़कन, यहां कुछ होने लगता है, धड़ 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 धड़, और यहां दर्द होता है। अब उसकी उसकी दवाई दो, उसकी कौन सी दवाई दे? अब वैसे दर्द नहीं होता है, ईसीजी नॉर्मल, टीएमटी नॉर्मल, 2D एको नॉर्मल, एंजियोग्राफी भी करा के आ गई, सब नॉर्मल। दर्द कब होता है? वो व्यक्ति सामने आया कि यहां दर्द होता है, टिपिकल अंजाइना। शायद घृणा भर रखी है उसके प्रति, रिक्त करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा सबकॉन्शियस माइंड पे, एम्प्टी करना पड़ेगा माइंड को, अनकंडीशन अनप्रोग्रामिंग ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द फीलिंग्स। It's possible. It has become possible. There are thousands and thousands of souls in this institution and in the world across. They have done this. This practice is possible, and everybody should do this practice. And if you continue doing this practice over a period of time, a time will come. You emerge those souls whom you think who have wronged you. Forgive them. Emerge those souls whom you think you have wronged them. Ask for forgiveness. Ask for pardon. A day will come. A day will come. Suddenly you will feel that I have become light. The burden which was there on my head, I was carrying from such a long period of time, such an extended period of time, such burden has gone. Because we are dealing with the theory of vibrations. We are not going to that person and in person saying, we are even far away from that person. उसके पास हम जा भी नहीं रहे,
परंतु हम कहां पर काम कर रहे, वाइब्रेशंस के लेवल पर काम कर रहे हैं, थॉट के लेवल पे काम कर रहे हैं। और ये समूचा संसार, इफ देयर इज वन यूनिवर्सल माइंड, देयर आर नॉट हंड्रेड्स ऑफ माइंड्स, ये सारे जो मन है जुड़े हुए हैं, खाली कनेक्शन। मां यहां पर है, उसका बेटा अमेरिका में है, वहां उसका एक्सीडेंट होता है, यहां उसको कैसे पता चलता है, एकदम से लगता है वहां कुछ हुआ है। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर दिस टेलीपैथिक कनेक्शन? सोल नेवर डाइज, सोल इज इन अनदर बॉडी, सोल ट्रेवल्स। यदि कोई एक आत्मा है जिसको हमने बहुत दुख दिया, हम उसके माफी मांगे, वो दूसरे शरीर में आकर हिसाब किताब बदला लेगी हमसे। सोल ट्रेवल्स, सोल कैरीज ऑल द संस्कार्स ऑफ द प्रीवियस बर्थ, इट टेक्स इनटू अनदर बॉडी, और वहां से हिसाब किताब चालू करेंगे। नहीं तो क्यों ऐसा होता है कि जिसका हमारे से कोई लेना देना नहीं, हम ट्रेन में बैठे हुए अचानक एक व्यक्ति आता है, हमको बहुत चिल्लाता है और सामने चला जाता है। क्यों चिल्लाया उसने, हम तो उसे जानते भी नहीं। This is the philosophy of karma. This is the philosophy, a deep philosophy of karma. Unless and until you understand this philosophy, you cannot understand life, the things that are happening in this life. Because all happenings are so mysterious, so uncanny, so weird. We are not able to figure out how things are happening. Unless and until you enter into the depth of that karma philosophy, you understand that things are going on as per the karma philosophy, tab hriday mein prakash aata hai aur samajh mein aata hai ki ye sara jo kuch bhi ho raha hai yahan par, ek bahut zabardast isme sutra hai. Iske liye hamare jo vichar hai is sansar mein pravesh karte hai. Ek vichar man se uthta hai, prakriti mein jata hai, prakriti and wo vichar, unme reaction hoti hai aur ghatnaon ka nirman. हम जिस मेडिकल कॉलेज में थे, उस मेडिकल कॉलेज में हमारे एक डीन थे, उन्होंने अपना अनुभव सुनाया था कि मैं जब फर्स्ट एमबीबीएस में था और पहले दिन इस मेडिकल कॉलेज में आया था 60 साल पहले, एक संकल्प किया था कि जिस मेडिकल कॉलेज में मैं प्रवेश कर रहा हूं, इसी कॉलेज का मैं डीन बनूंगा। ही सेंट दिस थॉट इन द एटमॉस्फियर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द थॉट अट्रैक्टेड सिमिलर थॉट्स एंड वन डे ही बिकम, दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कैसे, ये सब संकल्पों के खेल है, बहुत सूक्ष्म है। आत्माओं के साथ हम जुड़े हैं, जो हो रहा है संकल्पों का ही खेल है। इसके लिए थॉट वाइब्रेशंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड थॉट वाइब्रेशंस, कैसे थॉट ऑपरेट करते हैं। हेट कितने हो गए, 21st लास्ट, आप बता दो अब। टेम्पररी, वो सडन में आ गया, आप बताते जो हम फिर बताएंगे। हाँ, अच्छा, सूडो एंगर, ऊपर ऊपर वाला, सिचुएशनल एंगर, यस सिचुएशनल एंगर, लव एंगर, हेट एंड लव रिलेशनशिप, अफेक्शनेट एंगर, जैसे मां का नीचे से कुंभार हाथ भी रखता है, ऊपर से ठोकता भी है, कोई भी ले सकते हैं इसमें से। तो ये सारे हमने प्रकार इसलिए गिनाए, ये तो ऐसे कुछ है नहीं, और चिंतन करके और भी बना सकते हैं। हमें अपने आप को देखना है। हम आपको वो सारी टेक्निक नहीं बताएंगे, नंबरिंग करो, ये करो, वो करो, बहुत सारी चीजें बताते हैं। इवन किसी एक व्यक्ति ने एंगर मैनेजमेंट के 6-7 S बताए। पहला बताया S, S मतलब स्नैप, स्नैप अर्थात विचार को बदल दो, निगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, S। दूसरा S बताया स्विच, वो जगह से ही चले जाओ, जगह से ही हट जाओ तो थोड़ा सा शांत हो जाएंगे। एक ऑथर ने, अमेरिकन ऑथर ने लिखा है, एक बार मेरे पिताजी के साथ मेरा इतना जबरदस्त झगड़ा हो गया कि मैंने, उन्होंने कहा यह तो घर में तू रहेगा या मैं, तो उसने लिखा मैंने अपने पिताजी का कहा मैं जा रहा हूं और निकल गया, और पैसे तो थे नहीं, बाद में पता चला पैसे ही नहीं है, तो क्या करे, पैदल निकल गया, जा रहा है पैदल, जा रहा है पैदल। थोड़ा सुबह का समय था, वॉकिंग, बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग में बताते हैं ये कहानी,
जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, और चलते 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 लगा रहे, गलती तो मेरी है, गलती तो मेरी ही है, क्योंकि निसर्ग के सानिध्य में गया, प्रकृति के पास गया, और प्रकृति के पास जाते जाते और वॉकिंग करते करते माइंड खुल गया, नए वाइब्रेशंस आ गए, नया विचार आ गया, और पता चला गलती मेरी है, वापस अबाउट टर्न, माफी मांगने, स्विच मतलब जगह को बदल दो, पहला बताया स्नैप अर्थात विचारों को बदल दो, तीसरा है सारे एस से बताते हैं एस 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 अर्थात चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, या कोई कहते सो जाओ ज्यादा ही गुस्सा आया तो, ताकि उठेंगे तो थोड़ा फ्रेश होके उठेंगे, पर नींद भी तो नहीं आती है, वो दूसरी बात है। फिर कहते हैं स्पेकुलेट, स्पेकुलेट अर्थात चिंतन करना, क्यों आया, क्या कारण है, शायद बहुत सी अपेक्षाएं हैं, हम चाहते हैं कि मेरा बेटा है फर्स्ट आए, हम चाहते हैं कि ये ऐसा करे ऐसा करे वैसा करे, रिलेशनशिप्स में इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, इज इट पॉसिबल टू अडॉप्ट जीरो एक्सपेक्टेशन पॉलिसी? ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल, जितने संबंधों में समीपता आती है उतना ही फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, संबंध जटिल होने लगता है। फिर एक ऐसा स्क्राइब अर्थात राइटिंग, लिखना, मन में इतने विचार है, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, शांत हो जाओगे। फिर है ऐसे शेयर, किसी ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके साथ शेयर कर सकते हैं, शेयर करो, कोई नहीं है वो तो है, द लॉर्ड इज देयर, खुदा दोस्त, उसके साथ शेयर करो, वो तो हमेशा ही है। तो स्नैप, स्विच, स्पेकुलेट, स्क्राइब, स्पेकुलेट, ये सारे अलग अलग शेयर विधि बताते हैं जिससे हम मुक्त हो। समय पूरा हो रहा है, बहन जी आकर बैठ गए हैं, तो जी हाँ, अभी कारण एंगर के तो हजारों कारण हो सकते हैं, आपने जितने ये बताया उसके कितने ही हजारों हजारों कारण हो सकते हैं, उसका कोई हिसाब ही नहीं है कारण का, वो हैबिट ही अगर हो जाए तो कारण तो व्यक्ति ढूंढता है, फिर कहाँ हूं किस पर हूं, व्यक्ति कारण को ढूंढने लगता है, और उसके बहुत सारे, जैसे कहा ना मॉरल एंगर, जजमेंटल एंगर, कहते हैं कि जस्टिफाइड एंगर, ये भी एक टाइप है एंगर का, जस्टिफाइड एंगर, एंगर करने का और फिर जस्टिफाई करने का कि मैं, ये लोग ऐसे नहीं सुधरेंगे, ये लोग सुधरने वाले नहीं है, इनको चिल्लाना ही पड़ता है। कई लोग पूछते हैं तब क्या करें, हम बॉस है, हमारे अंदर 10 लोग काम करते हैं, अगर हम बिल्कुल ही चिल्लाएं नहीं तो क्या करें? जैसे वो कहानी बताते हैं ना, वो सांप सबको काटता था, तो गुरु ने कहा उसको कि तुम ऐसा नहीं काटो, बिल्कुल काटना खराब बात है, और कई महीनों के बाद जब गुरु आता है तो देखता है बेचारा सांप को लोगों ने क्या हाल कर दिया। गुरु कहते हैं आई टोल्ड यू नॉट टू बाइट, बट हु टोल्ड यू नॉट टू हिस, फुंकारने को किसने मना किया था तुमको? अगर, चलो मैं ऑफ ऑफ द रिकॉर्ड बात कह रहा हूं, नॉट ऑफिशियल, दिखावा दिखावा अंदर से, परंतु उस व्यक्ति के प्रति कोई दुर्भाव ना हो, शुभ भावनाओं से, अवर माइंड शुड बी फिल्ड विथ गुड विशेस फॉर दैट पर्सन, वी आर नॉट गेटिंग, वी आर जस्ट मेकिंग अ ट्रांसिएंट शो ऑफ विदाउट गेटिंग एक्साइटेड, एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ दैट पर्सन, एंड समटाइम्स वन हैज टू डू लाइक दैट, but that is just a show off, not the real. Immediately next moment you are friends with him, immediately next moment you show that yes, I am with you, I do love you. One of the reasons for anger is lack of love, prem nahi hai, prem ka abhav hai. Isliye yog ka abhyas karna hai roz, क्योंकि आत्मा का जो स्वभाव है प्रेम है,
जैसे इस स्वभाव से आत्मा दूर जाती है, अशांत होती है, बेचैन होती है। आत्मा का स्वभाव शांति है। जैसे ही क्रोध, कोई व्यक्ति 24 घंटे क्रोध में नहीं रह सकता, परंतु हाँ, कोई व्यक्ति 24 घंटे शांत जरूर रह सकता है, क्योंकि वो उसका स्वभाव है, वेरी नेचर। और हमारी सारी टेंडेंसी उसी नेचर की तरफ आने के लिए। किसी मंदिर में चले जाओ, बैठो तो शांति का अनुभव होता है। वो मंदिर में शांति नहीं है, परंतु वो मंदिर माध्यम बना है हमें अपने स्वस्वरूप का अनुभव कराने के लिए। यहां आप लोग आए हो, कैसा लग रहा है इस वातावरण में? कौन से प्रकंपन है यहां पर, कौन से तरंगे हैं यहां पर? प्रकृति तो वही है जहां आप रहते हैं, वही भूमि है, वही धरती, वही आकाश। फिर भी इस भूमि में कुछ और है, क्या है? कौन से वाइब्रेशन है, कौन सी एनर्जी है, कौन सी तरंगे है इस वातावरण में? इज इट नॉट एन ओशन ऑफ पॉजिटिविटी? दिखता क्या हमको ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि यहां काम कैसे हो रहा है, कैसे सब कुछ हो रहा है? और कोई किसी पर बॉसिंग नहीं कर रहा है, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो, तुमने ये किया क्यों नहीं, तुम लेट क्यों आए? संसार में किसी भी ऑफिस में जाओ, क्या होता है? डर, डर होता है, कुछ होता है। कैसी भावनाएं होती है बॉस के प्रति? बहुत प्यार करते हैं बॉस को, बहुत ही कोई कम होगा जो करता होगा। You see the place where you have come. This is not the ordinary place. This is the place where there is an ocean of love, the ocean of positivity. कितने लोग आए विरोध में, ब्रह्मा कुमारीज के थे, यहां आते ही पिघल गए, बिना कुछ किसी ने कहे, ना कुछ बात किए। क्यों? हर एक निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है, किसी की अपनी कोई स्वार्थ नहीं है उस तरह का, और हर एक अध्यात्म का राही है, अपनी उन्नति कर रहा है। तो टॉपिक तो बहुत बड़ा है, थोड़ी सी बातें हमने आपसे कही, और कल शायद आप जा रहे हैं, कल या परसों, यहां से जाने से पहले पावरफुल प्रतिज्ञा संकल्प लेकर जाएंगे, ताकि यहां से जाने के बाद हम वो ना रहे जाओ जैसे यहां आए थे। वी शुड बी अ ट्रांसफॉर्म्ड पर्सनैलिटी। ओम शांति।